أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِنْ كَانَ مِن قَوْمٍ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وغضب الله وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام مؤمنين من تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا "لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأَموَالِهِم وأنفسهم فضل الله فضل الله المجاهدين بأَموَالِهِم وأنفسهم على القائدين درجا." وكل وعد الله الحسنى وفضل الله وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفره ورحمه وكان الله غفورا رحيما अल्लाह के नाम से जो बेनतहा मेहरबान रहम वाला है किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कतल कर देना ज़ैबा नहीं मगर गलती से हो जाए तो और बात है जो शख्स किसी मुसलमान को बिला कसद यानी बिला इरादे के मार डाले इस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आज़ाद करना और मखतूल के अजीजों को खून बहा पहुंचाना है हाँ ये और बात है कि वो लोग बतौर सदका माफ कर दे अगर मखतूल तुम्हारी दुश्मन कौम का हो और वो और हो वो मुसलमान तो सिर्फ एक गुलाम की गर्दन आजाद करनी लाजमी है तो खून बहा है। जो उसके कुंबे वालों को पहुंचाया जाए और एक मुसलमान गुलाम का आजाद करना भी जरूरी है बस जो ना पाए उसके जिम्मे दो महीने के लगातार रोजे हैं अल्लाह से बख्शवाने के लिए और अल्लाह खूब जानने वाला और हमत वाला है हाँ और जो तो कोई किसी मोमिन को खसदल खतर कर डाले उसकी सजा गुजक है जिसमें वह हमेशा रहेगा उस पर अल्लाह का गज़ब है उसे अल्लाह ने लानत की है और उसके लिए बड़ा आजाद तैयार कर रखा है ऐमान वालो जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहखीज कर लिया करो और जो तुमसे सलाम अली करे तुम इसे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं है तुम दुनियावी जिंदगी के इस्बाब की तलाश में हो अल्लाह के पास तो बहुत सी गनीमतें हैं पहले तुम में से ऐसे ही थे फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया पहले तुम भी ऐसे ही थे फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया लिहाजा तुम जरूर तहकीक व तफ्तीश कर लिया करो बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है अपनी जानों अपने मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उजर के बैठ जाने वाले मोमिन बराबर नहीं अपने मालों और जानों से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जों में बहुत फजीलत दी है अल्लाह पर सुबह और यूं तो अल्लाह ने हर एक को खूब अच्छाई का वादा कर रखा है लेकिन मुजाहिदीन को बैठने बैठ रहने वालों से बैठ रहने वालों पर बहुत बड़े अजर की फजीलत रखी है और अपनी तरफ से मर्तबे की भी और बख्शिश की भी और रहमत की भी और अल्लाह बख्शने वाला और रहम करने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वसलम अला रसोल करीम बाद

मुनाफिक के बारे में पढ़ा था आज हमारे रुकू में इंशाल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह ताला की वो बातें हम समझने की कोशिश करेंगे जो अल्लाह ततौर अहकाम बतौर फदीलत बतौर तमबीह कई बातें ऐसी हमको बताई हैं तो इंशाल्लाह आज इस छोटे से रुक समझने की कोशिश करेंगे और वक्त रहा तो दूसरा रुकू भी इंशाल्लाह आज कम्प्लीट करने की कोशिश करेंगे अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह वक्त में बरक़ा नसीब फरमाए और जो हम कह रही हैं सुन रही हैं कहने और सुनने से ज्यादा अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए अल्लाह आलमीन मेरी बहनों जैसा कि आपने निसा आयत नंबर रुकू आपने अभी तर्जमे के साथ सुना इंशाल्लाह उसकी तफफीम करते हैं जैसा कि पहली आयत में बताया गया कि किसी मोमिन को दूसरे मोमिन का कत्ल कर देना जेबा नहीं है ये तो बात यानी अंडरस्टूड है ये बात तो सबको समझ में आती है कि एक मोमिन दूसरे मोमिन को कत्ल नहीं कर सकता एक मोमिन दूसरे मोमिन को खतल नहीं कर सकता देवा नहीं देता उसे कि वो अपने भाई की जान ले क्योंकि यानी अल्लाह ताला ने ये कुरान में भी कह दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कह दिया कि एक मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान के लिए एक मोमिन की इज्जत दूसरे मोमिन के लिए काबे की इज्जत से भी बढ़ के है अल्लाह अकबर हदीस है सही हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मोमिन की इज्जत दूसरे मोमिन के लिए काबे से बढ़ के है यानी काबे की हरमत और इज्जत हमें कितनी होती है उससे बढ़ के इज्जत एक मोमिन के लिए है क्यों एक मोमिन के दिल में दूसरे मोमिन के लिए इज्जत है और और एक जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तुम्हारे एक दूसरे पर तुम्हारे माल तुम्हारी जान और तुम्हारी इज्जत और आबरू एक दूसरे पर हराम है यानी हम हमें चाहिए कि हम एक मोमिन की इज्जत करें उसके साथ अहसन सलूक करें और उसके लिए दिल में नरमी रखे अगर बंदा दिल में नरमी नहीं रखता तो फिर वो मोमिन ही नहीं है यानी मोमिन की कैटेगरी में ही नहीं आता अगर एक मोमिन अपने दूसरे मोमिन भाई के तलुक से दर्द नहीं रखता तो गोया कि वो उसके दिल में ईमान की कमी है उसका ईमान मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि बुनियान मुसाठा कहा अल्लाह ने, यानी ऐसी नेीशा पिघलाई भी दीवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं मोमिन कतल करना तो बहुत दूर की बात है एक दूसरे की हरमत एक दूसरे के ऊपर लाजिम की गई उसका जान उसका माल उसकी इज्जत उसकी आबरू यानी सिर्फ जान ही नहीं बल्कि माल और इज्जत आबरू की भी एक दूसरे की हिफाजत करने का हुक्म दिया चाहे मोमिन कौन से भी खत्ते का हो यहाँ है यानी हम हिंदुस्तान में रहें तो हिंदुस्तान के मोमिन ही नहीं हम आ, खलीज में रहे तो खलीज के मोमिन ही नहीं बल्कि सारी दुनिया का मामला कि जितने मोमिन हैं हम एक दूसरे के लिए खैर कुंह हों कि हिजरत की आयतें आई जिहाद फी मकसद क्या है खत्ल का भी मकसद यही है ना कि अमन वमान हो खिताल का मकसद क्या रखा गया खिताल का मकसद ये रखा गया कियम हो अमन अमान नहीं, का मकसद, है। का मकसद क्यों लड़ी इस्लामी जंगे क्यों लड़ी गई जुल्म जु, के साथ हुकूमत कर रहा होता और लोगों पर जुल्म करता है तो उसके जुल्म के खात्मे के लिए खताल फर्ज किया गया जहाद फीसला क्यों फर्ज किया गया क्योंकि जो बंदा दोबारा गौर से सुनिए कि जो बंदे मजलूम हैं जैसा कि हमने पिछली आयतों में पढ़ा कि जो बंदे मजलूम हैं जो पुकारते हैं औरतें और मासूम बच्चे हमारी मदद फरमाए से हमें नजात दे दे तो उनके बचाव के लिए खिताल को अल्लाह तला ने जिहाद फिर सबी को जंग को फर्ज किया तो अभी तकरीबन आयतें अभी अः यानी यही चल रही है कि जैसे मतलब अः मुझ अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मुमिन अलग होते थे और मुनाफिक अलग होते थे मुनाफिक न सिर्फ रुक जाते बल्कि दूसरों को भी रुकने का मशवरा देते थे और अल्लाह की राह में वो लोग हिजरत नहीं करते थे हिजरत भी नहीं करते थे तो उनके ताल्लुक से भी आगे आए थे आएंगी तो बहरे हाल ये कि मोमिन मोमिन के दिल में उसकी इज्जत और उसके जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी होती है वो खतल नहीं कर सकता किसी मोमिन को हाँ अगर गलती से खतल कर दिया तो क्या है उसकी सजा कि गलती से हो जाए तो और बात है जो शख्स किसी मुसलमान को बिला खसद मार डाले यानी बगैर इरादे के उसका इरादा नहीं था लेकिन उसने मार दिया अच्छा एक और जबरदस्त हदीस आपको सुन रहा इस जमन में अः यानी जब मैं भी पहली मरतबा पढ़ी तो मुझे भी अचंबा हुआ कि मतलब अरे ऐसा कैसा यानी टाइटल पढ़कर कि अल्लाह के रसूल की एक हदीस के ऊपर एक टाइटल था कि अः यानी हदीस हदीस ही है ये हदीस बयान कर रही सुनिए क्या फरमाया अल्लाह के रसूल ने कि दो मुसलमान आपस में लड़ते हैं तो खातिल और मखतुल दोनों भी जहान है बोले क्या फरमाया गौर से सुनिए कितिल और मकतूल दोनों भी जहन्नमी है बोले दो मोमिन या मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दोनों यानी कत्ल करने वाला और कत्ल होने वाला दोनों भी जहन्नमी है बोले अब ये बात पर तो अच्छा होना चाहिए पढ़ के अरे दोनों क्यों जहन्नमी है कतल करने वाला जहन्नमी है बात समझ में आ रही है अब जिसका खत्ल हो गया वो क्यों जहन्नमी है तो अब जैसे हमको ताजुब हो रहा है बात सुनकर तो अल्लाह को भी ताज्जुब हुआ साहबा ने ताजुब से पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के रसूल कतल करने वाला तो बात समझ में आई कि जो कत्ल कर रहा है वो जहन्नमी है लेकिन मखतूल जो है जिसका कत्ल हुआ वो कैसे जहन्नमी हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसका इरादा भी कत्ल का था यानी दोनों ने एक दूसरे पर तलवार उठाई ये और बात है कि एक जीत गया दूसरा हार गया लेकिन दोनों का भी इरादा एक दूसरे को कतल करने का था तो अल्लाह ताला ने खातिल को भी जहन्नम रसीद किया और मखतूल को भी जहन्नम में डाल दिया क्योंकि दोनों लड़ रहे थे एक दूसरे को मारने के लिए तो देखिए मेरी बहनों जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से के लिए बग्ज रखता है दुश्मनी रखता है तो लड़ाई लड़ते लड़ते हालत यहां तक आ जाती है कि लड़ते लड़ते कतल का दर पे हो जाता है तो एक दूसरे के कतल के दर पे हो जाना एक दूसरे के कतल के दर पे हो जाना जन्दम की वईद है उनके लिए चाहे कितने भी नमाजें पढ़ लो कितने भी रोजे रख लो कितने भी हज कर लो कुछ भी नेक आमाल कर लो लेकिन एक मोमिन दूसरे मोमिन की जानुमाल की हिफाजत लाजिम करे जब हमदर्दी रखेंगे तो दुश्मनी नहीं होगी जब मोहब्बत इखलास रखेंगे तो दुश्मनी नहीं होगी और दुश्मनी नहीं होगी तो फिर कतल की नौबत नहीं आएगी तो बहर ये कि अगर बिला खसत के यदि कुछ ऐसी कुछ हादिसा हो गया था तीर चला रहा था उसे नहीं पता था कि वहां कोई मोमिन ठहरा है गलती से उसको तीर लग गया गलती से यानी बिला इरादा के गलती से कुछ मार डाले तो उस पर एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करना यानी, आ, यानी आ, क्या कहते हैं कि शरिया में खसास जो होता है यानी आ, जो खसास के खवानी है जो हैं है इस्लामिकवानी के लिहाज से खाजी शरा को ये अः हुक्म दिया अल्लाह ने कि एक मुसलमान गुलाम की आजाद करवाओ उस खातिल से और मखतूल के अजीजों को खून बहा पहुंचाना यानी जिसका खतल हुआ उसका खून बहा पहुंचाना है अब खून बहा की शक्लें अलग अलग हैं अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि खून बहा कैसा है कतल खत, तो हुआ तो उस सूरत में खून बहा देना गलती से नहीं मुतमदन हुआ यानी जान बूझ कर हुआ तो जैसे हमारी आज की टॉपिक है कि मन आ, क्या है टॉपिक हमारी आ, जो कतल करेगा मोमिनन किसी मोमिन को मुतामन जान बूझ के तो फजा वो जहनम उसके तो जजा जहन्नम ही है हाँ अगर गलती से हो गया अभी जो हम पढ़ पढ़ने आए तो इसमें क्या है गलती से हो गया गलती से हो गया तो फिर एक खून बहा देना है गर्दन आजाद करना है हाँ ये और बात है कि वो लोग बतौर सदका माफ़ कर दे अगर मकतूल वाले यानी जिसका कतल हुआ वो लोग बोले कि ठीक है हम खून बहा नहीं लेंगे कुछ भी तुमसे हमने माफ़ कर दिया तो फिर सुफान अल्लाह वो माफी माफ़ी जायज है और ये भी उसका फायदा उठा सकता है कि उन्होंने खुद माफ कर दिया तो फिर ये यानी दैय अदा करने से बच जाएगा खून बहा देने से बच जाएगा और अगर मखतूल तुम्हारी दुश्मन का, का यानी जिसका कतल हुआ मुसलमान ही है लेकिन दुश्मन कौम में से था वो और वो हो मुसलमान यानी दुश्मन कौम का आदमी है लेकिन वो मुसलमान ही है अलग कौम दूसरी जगह वो लोग मतलब दूसरे कौम से मुराद एक गिरोह है गिरोह जिससे जो दुश्मन है तुम्हारा वो दुश्मनों में ये मुसलमान भी शामिल है वहां पे अब उसकी कुछ भी मजबूरी हो सकती है कि वो वहां से हिजरत नहीं कर सकता कमजोर है आ, नहीं आ सकता इधर हिजरत करके मुसलमानों के पास नहीं आ सकता कमजोर है या कुछ भी है तो दुश्मनों के साथ बतौर मजबूरी वो रह रहा है तो उस सूरत में फिर क्या बता रही कि तो मुसलमान है तो सिर्फ एक मोमिन गुलाम की गर्दन गर्दन आजाद करनी लाजमी है यानी उस खातिल को चाहिए कि वो एक गर्दन आजाद करे यानी इस सूरत में दैयत नहीं होगी मकतूल को दैयत नहीं देंगे यानी मखतूल के लोगों को दयत नहीं देंगे क्या करेंगे सिर्फ खून बहा क्या करेंगे एक यानी गुलाम की गर्दन आज़ाद करना होगा अब उस जमाने में उस जमाने में ये खाजी शराह को ये हुक्म होता था कि एक गर्दन आजाद करो तो उस जमाने में गुलाम होते थे गर्दन आजाद करते थे लेकिन इस जमाने में अगर कोई खाजी शराह के पास जाता है तो फिर वो कुरान के मुताबिक बतलाएगा कि तुम्हारे लिए खून बहा तो नहीं है दैय तो नहीं है इस मामले में मखसूल तुम्हारी दुश्मन कौम का है तो फिर, फिर सिर्फ तुम्हें गर्दन आज़ाद करना है। तो आज गुलाम नहीं है गर्दन आज़ाद नहीं करना है तो नहीं कर सकते किसी की भी कोई भी गुलाम नहीं है अभी तो फिर खाजी शराह आपको कुरान हदीस की रोशनी में बताएंगे कि क्या सजा है इसके बाद आगे बताया जा रहा है कि अगर मखतूल उस कौम से हो कि तुम में और इन में इनमें अहदोपैमान है यानी दूसरी कौम का है शख्स और है क्या एग्रीमेंट है कि उनकी जानो माल की हिफाजत आप करेंगे आपकी जानो माल की हिफाजत वो करेंगे वो आप पर हमला नहीं करेंगे हम उन पर हमला नहीं करेंगे तो इस तरीके का एग्रीमेंट है तो उस एग्रीमेंट की बिना पर उसदो पैमान की बिना पर खून बहा भी देना लाजिम होगा क्या चीजें होंगी तीन चीजें बयान की गई मेरी बहनों तीन मसाइल है देखिए इसमें पहला मसला ये अहम बातें हैं ये कानून इस्लामिकवानी है इसको हम मालूम नहीं रखेंगे तो कौन मालूम रखेगा अक्सर हमको इस्लामी इस्लामिकवानी नहीं मालूम होते सारे खवानी को रटे मार लेते हम है ना सोशल स्टडीज में सारे खवानी को पढ़ लेते हैं हम सेकुलरिज्म क्या है फनाइजम क्या है फनाइजम क्या है तमाम र, रट लेते हैं। उनका ये, खानून है, उनका ये खानून है। इस्लामी खानून क्या है शरिया शरिया का हयातुन या उल अबसार ए बसीरत की निगाह रखने वालों तुम्हारे लिए इसमें जिंदगी है इसमें जिंदगी है यानी इन अः के फॉलो करने में तुम्हारी जिंदगी है आज कैसी मौत मर रहे हैं हजारों लोग हजारों लोग इस्लामी कानून को छोड़ने की वजह से कैसे जरायम के शिकार हो रहे हैं बदनजमी के शिकार हो रहे हैं अः के शिकार हो रहे हैं लेकिन हमें चाहिए कि हम इस्लामी कवानीन को समझे खुद भी समझें आज हमारा टाइम कितना वेस्ट करते हैं हम दुनियावी मामलात में कुछ चीजों के हसूल में ये मालूम करना है मुझे वो मालूम करना है फला अल्लाह ने क्या कानून दिया तुम्हारे लिए हमारे लिए हम वो मालूम करने के लिए कासिर है बड़ी उस उस ताल्लुक से लापरवाह है हमारी जिंदगी किस तरफ जा रही है क्या हमें अल्लाह को हिसाब नहीं देना है सांस रुकते ही मेरी बहनों अल्लाह को हिसाब देना है कि हमारे हमारे मामला किधर जा रहे थे हम सुबह से शाम सुबह फ्रेश रहने से शाम में थकने तक हमारे मामला क्या थे हमने कितना दिन सीखा कितना दिन सिखाया कितना अल्लाह की बातें हमने समझी और कितना दूसरों को बताया कितनी कोशिश की कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का कानून हो तो ये कोशिशें हमें लाजिम करना है ऐसे नहीं कि हम दुनिया में आए और ऐसे ही चले गए नहीं अल्लाह के कलीमे को बुलंद करना और उसमें जो हिस्सा ले सकते जैसे बहुत बड़ी चीज यानी दावत फी सबी अल्लाह की राह में दावत करना यानी अल्लाह की राह की फीस अल्लाह के सबील के तरफ बुलाना जैसे अल्लाह ने कहा ना इला उदर हुक्म है ऑर्डर है अल्लाह का उदर तुम दावत दो इला रबिक। अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो लोगों को बुलाओ इला उदर सभी बिलमति हसना हिकमत से और बेहतरीन नसीहत से यानी हुक्म है हमें हुकुम है हमें कि अल्लाह के दीन की तरफ हमें दावत देना है लोगों को दावत देना है इस्लाह का काम करना है लोगों को शरीयत बताना है हम खुद मुसलमान रहते हुए हमें शरीयत नहीं मालूम है तो फिर हम दूसरों को क्या बताएंगे कैसे बुलंद होगा अल्लाह का कलमा कैसे बुलंद होगा अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्तों से यूं भी करा सकता था लेकिन अल्लाह ने क्या किया बंदों को मुझे और आपको इस चीज का मुकल्लफ बनाया तो बहरहाल ये कि हम खुताल नहीं कर सकती जंग नहीं कर सकती ये तो कर सकती है ना अल्लाह क्या कि हम लोगों तक दीन को पहुंचा सकती हैं दीन की दावत लोगों को दे सके खुद भी मालूम करें कि क्या है दीन इस्लाम और दूसरों तक पहुंचाए तो बहरहाल आज जो खवानी हम इस्लाम के पढ़ रहे थे उसमें तीन बातें मैं दोबारा दोहराना चाहूंगी कि अगर कोई मोमिन को हसदन नहीं बल्कि खतान यानी खता से गलती से गलती से कोई मोमिन किसी मोमिन को कतल करता है तो उसमें तीन कैटेगरीज है एक ये कि उसको पहली बात कोई मुसलमान दूसरे मुसलमान को कतल कर रहा है गलती से कतल हो गया गलती से फिर दोबारा दोहरा रहे हो गलती से गलती से कतल हो गया तो उसके लिए क्या है दयियत भी है यानी खून बहा भी देना है गर्दन आजाद करना है ठीक है दो चीजें हैं अच्छा अब दूसरी चीज क्या है कि कोई मुसलमान किसी मुसलमान को गलती से कतल कर दिया और जो मखतूल है यानी जिसका कतल हुआ वो दुश्मन कौम का है दुश्मन कौम का है यानी उस जमाने में था ना मदीन, मदीन कि हिजरत करके मक्के से लोग मदीना आ गए थे लेकिन बाद मुसलमान हिजरत नहीं कर सके थे दुश्मन कौम में ही थे मजबूरी थी हिजरत नहीं कर सके थे दूसरी कौम में ही थे तो उस सूरत में क्या करना है गर्दन आजाद करना और दैयत देना दो चीजें नहीं है सिर्फ गर्दन आजाद करना है यानी एक गुलाम की गर्दन आजाद करना है एक मोमिन गुलाम की गर्दन आजाद करनी है खून बहा देना नहीं है हाँ तीसरी शर्त अगर मकतूल उस कौम से है कि तुम में और उसमें पैमान है यानी दूसरा कौम का है मकतूल जिसका कतल हुआ लेकिन दोनों में तुम में और वो मखतूल के कॉम में पैमान है तो खून बहा लाजिम है जो इसके कुंबे वाले को पहुंचाया जाए और एक मुसलमान गुलाम की गर्दन आजाद करना भी ज़रूरी है अच्छा अब कोई बोल रहा है कि नहीं गर्दन आजाद नहीं कर सकते यानी कफारा कफारा और दैय यानी कफारा क्या क्या कफारा के मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो गर्दन आजाद कर सके किसी मुसलमान मोमिन की गर्दन आज मुसलमान की गर्दन आजाद कर सके तो मुसलमान गुलाम को खरीद के उसको आज़ाद कर देना तो उतना पैसा उसके पास नहीं है तो बस जो ना पाए उसके जिम्मे दो महीने के लगातार रोजे हैं दो महीने के क्या है लगातार रोजे हैं बगैर नागे के दो महीने मुसलसिल रोजे रहना है गलती से भी कतल कर दिया मुसलमान को यानी एक मुसलमान एक मोमिन लापरवाह नहीं हो सकता ऐसा लापरवाह कि किसी की जान ही ले ली उसने लापरवाही में तो उसको अल्लाह ऐसे नहीं छोड़ता अल्लाह ताला उसके लिए सजा ये रखा है कि खून बहा देना है उसे और लगातार दो महीने के रोजे रहना या फिर एक मुसलमान गुलाम को खरीद कर आजाद जाता अब 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 दौरे हाजिर में गुलामी तो नहीं है लेकिन ऐसा कर सकता ना बंदा कि किसी को इस्लाम की राह में किसी को अल्लाह की राह में बेगुना है बेचारा खाम खामा खा फस गया कोई मुसलमान मोमिन है जो बेगुनाही में यानी मतलब उसका कोई गुना नहीं है जबरदस्ती जेलों में भरे है ना आज आज कई मुसलमान है ऐसे जो जेलों में भरे पड़े उनका केस लड़ने वाला कोई नहीं है उनके ऊपर बेबुनियाद इल्जाम हैं और महज तफरुखाबाजी की बिना पर उन्हें जेलों में डाल दिया गया तो उनकी गर्दन छुड़ाना आज के लिहाज से तो यही फतवा हो सकता है कि उनकी गर्दन छुड़ाना उनको वहां से आजाद करना तो उसके लिए भी काफी लाखों रुपया लग जाता है तो वो लाखों रुपया जो लगता है अगर किसी के पास वो उतनी इस्तात नहीं है तो फिर उसे चाहिए कि वो दो महीने मुसलसिल रोजे रखे इसके बाद अल्लाह फरमा रहा है कि बेशक अल्लाह क्या है अल्लाह 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 हकीमा यानी तो अल्ला उसकी उसके गुनाह को माफ करेगा और वकान अल्लाह हकीमा और अल्लाह खूब जानने वाला और हमत वाला है अब जो कोई किसी मोमिन को खसतन खतल कर डाले दूसरी आयत बमा यखुल मोमिनन कोई खतल करता है मोमिन को मुतअम्मिदन जानबूझकर तो फजजाउहु जहन्नम उसकी जजा क्या है जहन्नम है खालिदन फीहा हमेशा उसमें रहेगा वगदिब अल्लाह अल्लाह का गजब उस पर वगदिब अल्लाह अली उस पर अल्लाह का गजब वलानहु और अल्लाह की लानत उस पर वअद्द लहु अजाब अजीमा उसके लिए अल्लाह ने बड़ा अजाब तैयार कर रखा है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अब देखिए मेरी बहनों किस कदर खतरनाकी है यहाँ पर किस कदर अल्लाह ताला ने वीद वाली आयत रखी है ऐसा डरावा है इसमें कि अगर कोई मोमिन किसी मोमिन को खसदन खसदन कब कतल करता मेरी बहनों जब ए, एक देखिए एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए बग्ज नहीं रखना चाहिए बग्ज दिलों में बग्ज भरा होता ना दिलों में बग्ज भरा तो एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए बागज नहीं रखना है बग्ज अदावत दुश्मनी ये दुश्मनी कहाँ तक ले जाती है ये दुश्मनी कतल तक ले जाती है और उसे समझ में नहीं आता वो दुश्मनी करते 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 इतने आगे बढ़ जाता है कि उसका कत्ल ही कर डालता है अगर कोई मुसलमान मोमिन मोमिन किसी के कत्ल में मुल्वस भी है जैसे किसी ने, क्या किया? कर दी, किसी, ने किसी को खबर दे दी कि अरे फला फला उसको पकड़ो उसको मारो उसको फला पकड़ लो ये है हालांकि वो मोमिन है वो मोमिन है उसकी क्या कहते हैं कि मतलब उसकी जान की हिफाजत तुम्हारी जिम्मे है लेकिन किसी ने क्या किया पैसे की बिना पर दौलत की बिना पर शोहरत की बिना पर उसे दौलत कमाना उसे शोहरत कमाना है उसे इज्जत कमाना है उसे अपना रेपुटेशन रखना है या फिर उसे दौलत कमाना है किसी भी वजह से एक्स वाई जेड किसी भी वजह से उसने क्या किया एक मोमिन को खतल करने का सबब वो बना या फिर एक मोमिन के खतल में वो मुलवस रहा या फिर डायरेक्ट खतल कर दिया ये तीन चीजें भी लाजिम आती हैं ये तीन चीजें भी जब इस तरीके का काम करता है कोई मोमिन किसी मोमिन के ताल्लुक से उसकी जान का लेने का जिम्मे बनता है तो अल्लाह ताला इस कदर सख्त नाराज है उससे कि अल्लाह ताला तला जहन्नम में हमेशा के लिए रहेगा यानी उसके सारे आमाल तबाह गारत बर्बाद सारे आमाल जहन्नम खालिदिया हमेशा उसमें जहन्नम में रहेगा अल्लाह का गजब होगा उस पर अल्लाह की लानत होगी और अजाब अजीम होगा बड़ा अजाब होगा उसके लिए अल्लाह महफजन अल्लाह महफजन अल्लाह महफूज रखे मीनक आजाब अर दुनिया हर दुनिया की आजमाइश से और आखिरत के केजाब से अल्लाह महफूज रखे आमीन या रब हमारी नस्लों को भी अल्लाह महफूज करे मेरी बहनों आपको हमें चाहिए कि हम एक मोमिन दो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मोहब्बत के साथ रहे इखलास के साथ खुलूस के साथ रहे हम बचपन से अपने बच्चों के दिलों में अपने मोमिन भाई की अपने मोमिन यानी बच्ची है बच्ची किसी बच्ची से लड़ पड़ रही है तो बोले नहीं वो तुमको ऐसा बोली तुम चार सुना दो उसको ये तरबियत ना करें उसे कहें कि वो कौन थी जिससे तालों से तुम लड़ रही थी बोले कि नहीं वो फलाती थी। वो तो बोले के अरे वो तो तुम्हारी मोमिन बहन है अल्म, अखुल मोमिन अलमुस्लिम अखुल मुस्लिम मोमिन एक मोमिन दूसरे मुस्लिम मोमिन का भाई है एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है तो ये भाईचारे की याद दिलाए कि भाई चार की याद दिलाए नहीं आपके मुसलमान भाई है आप उससे नहीं वो मेरे साथ ऐसी कर रहा है वो लड़का मुझे सतारा कर रहा है ठीक बेटे को बोले अब होता ना ऐसा बच्चे आके शिकायत करते मामा वो लड़का मुझे बहुत सता सतारा तो उसको अच्छी तरीके से समझाए बोले बेटा आप उसको ले जाके गिफ्ट दो उससे अच्छी बात करो बोलो कि मैं तुमसे बदला ले सकता हूं लेकिन मैं नहीं लूंगा क्योंकि इस्लाम मना करता है तुम तो मेरे भाई हो इस्लामी भाई हो लिहाजा मैं तुमसे बदला नहीं लूंगा तुम मुझे सता रहे हो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा इनशाला और आइंदा मुझे मत सताइए उसको गिफ्ट दे उसको बोलेंगे मतलब जाके जिसने भी तुम्हें सताया उसको तोहफा दो और उसे समझाओ तो देखिए अल्लाह कैसे दिलों में बात को डाल देता है और इनशाला उनकी दुश्मनियां खत्म हो जाएगी अब आप बोलेंगे नहीं रिवेंज लो जाके कैसा वो तुमको मारा तुम एक एक थप्पड़ खा के आए उससे जाके उसको आज दो थप्पड़ मारो बोले तो ये वाली तरबियत हम नहीं करें इनशाला ये वाली तरबियत हम नहीं करें उनको समझाएं कि अपने मुसलमान एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से लड़ाई झगड़ा नहीं करता एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से बख्ज नहीं रखता दुश्मनी नहीं रखता क्योंकि ये दुश्मनी आगे जाकर कहाँ तक जा सकती है खतल तक जा सकती है और खतल के लिए अल्लाह ने तड़ी सख्तरीन महीदे रखी हैं कि अगर हजदन कोई कतल करता है किसी मोमिन को तो फिर कितनी बड़ी बड़ी सजाएं हैं उसके लिए हमेशा के लिए जहन्नम अल्लाह का गजब अल्लाह की लानत और अजाब अजीम अल्लाह अकबर अल्लाह आज अल्लाह अल्ला शाक फरमा रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो ए लोगो जो ईमान लाए हो जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तो तहकी कर लिया करो क्या तहकी कर लिया करो कि जो तुमसे सलाम अले करे तुम उससे ये ना कह दो कि तू ईमान वाला नहीं है क्या होता तो था मेरी बहनों अहदिस में आता है कि बाद साहबा किसी इलाके से गुजरे जहाँ एक चरवाहा बकरियां चला रहा था तो मुसलमानों को देखकर चरवाहे ने सलाम किया तो बाद साहबा ने समझा कि शायद वो जान बचाने के लिए अपने आप को मुसलमान जाहिर कर रहा है चुनाच इन्होंने क्या किया बग़ैर तहकीक के उसे कतल कर डाला और बकरियां बतौर गनीमत क्या करी ले ली और रसूल की ख़िदमत में हाजिर हुए तो उस पर आयत यह आयत नासिल हुई यानी सफर जिहाद के लिए जा रहे थे खाली सफर नहीं कर सफर जिहाद के, जिहाद के लिए जा रहे थे जिहाद के लिए जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ एक शख्स मिला जिसने क्या किया उनको सलाम किया तो ये बोले कि हाँ ये हमारे हमसे बचने के लिए शायद हमको सलाम कर रहा है मुसलमान जतला रहा है ये अपने आप को तो क्या करे उसको कतल कर डाले और वो बकरियाँ गनीमत पे ले लिए तो रिवायत में आता है कि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि मक्के में पहले तुम भी इस चरवाहे की तरह ईमान छुपाने पर मजबूर थे तो मतलब ये था कि इस कतल का कोई जवाब नहीं था यानी अल्लाह तभी यह अहकाम नाजिल किया ये आयत का शान नजूल क्या है ये आयत का शान नजूल ये सही बुखारी का वाक है जो मैंने अभी आपको बताया कि चंदा जा रहे थे सफर जिहाद पर एक शख्स बकरियाँ चरा रहा था रास्ते में मिला तो उसने क्या किया सराम किया सलाम किया और अपने आप को मुसलमान जाहिर किया तो उन्होंने क्या किया ये बोले कि मतलब हाँ ये अपनी जान बचाने के लिए हमको अपने आ, यानी मुसलमान जाहिर कर रहा है, तो उसे कतल कर दिया तहकी नहीं की उन्होंने तफ्तीश नहीं की और कतल कर दिया और बकरिया गनीमत के तौर पर लाए और अल्लाह के रसुल के सामने पेश किया तो ये आयतनाजिल हुई इस वक्त क्या आयतना अ ई ईमान वालों क्या आयतनाजिल हुई ए ईमान वालों जब तुम अल्लाह की राह में जा रहे हो तहकी कर लिया करो तहकी कर लिया करो तुमसे और जो तुमसे सलाम अलग करे तुम इसे ये ना कह दो कि तुम ईमा तू ईमान वाला नहीं है तुम दुनियावी जिंदगी के असबाब की तलाश में हो तो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं अल्लाह वक्त पर अल्लाह ने ऐसे डांट लगाई कहा कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह मत दो अल्लाह के पास तो बहुत गनीमतें हैं यानी चंद बकरियां इस मखतूल के लिए हासिल हो गई ये कुछ भी नहीं है अल्लाह के पास इससे ज्यादा कहीं बेहतर गनीमतें हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की इताद की वजह से तुम्हें दुनिया में भी मिल सकती है और आखिरत में तो इसका मिलना यकीनी है जरूर भी जरूर मिलेगा आखिरत में तो आगे अल्लाह ताला ने अब ये तो एक के जरिए से ये बात बताई गई कि किसी को तफ्तीश करे बगैर खतल नहीं करना अब एक बात बताई जा रही है खिताल के बारे में अल्लाह क्या प्यारी आयत है अल्लाह फरमा रहे अपनी जानों और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उजर के बैठे रहने वाले मोमिन बराबर नहीं हो सकते ला बराबर नहीं हो सकते अल यानी ऐसे मोमिन जो बैठे हैं गैर उली दरर कोई उजर कोई कोई उजर नहीं है बगैर उजर के बैठ गए कोई अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए नहीं गए बगैर उजर के बैठ गए तो अल्लाह ताला बता रहा है कि वो मोमिन बराबर नहीं हो सकता जानो और मालों से अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले मोमिन और बगैर उजर के बैठ जाने वाले मोमिन बराबर नहीं हो सकते मेरी बहनों जब आयत नाजिल हुई मेरी मेरी बहनों जब आयत नाजिल हुई कि अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले और घरों में बैठ रहने वाले बराबर नहीं है तो हजरत इब्न नाबीना ना ना अल्लाह ना ना तो के रसूल हम तो माजूर हैं जिसकी वजह से हम जिहाद में हिस्सा नहीं ले सकते नाबीना ना है ना मजबूर है हिस्सा नहीं ले सकते नहीं ले सकते मतलब ये था कि घर में बैठ रहने की वजह से जिहाद में हिस्सा लेने वालों के बराबर हम सवाब नहीं कर सकेंगे हालांकि हमारे घर में हमारा घर में बैठ के रखना वो साबी बोले कि हमारे घर में बैठे रहना कोई शौक के लिए नहीं है या जान की हिफाजत के लिए नहीं बैठ रहे हम बल्कि ये उज्र है कि मैं अंधा हूं मैं नहीं जा सकता तो फिर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की सुबह अल्लाह क्या कहा गैर उर गैर उली दर, दर। बगैर किसी उज्र के किसी के पास उज्र है तो उनको उज्र ने रोक रखा है तो फिर वो अः मुस्तना है यानी उनकी बात अलग है जो बगैर उज्र के बैठे उनके पास कोई उज्र नहीं है अंधे लंगड़े लूले कुछ भी नहीं है अच्छे खासे हट्टे कट्टे मुसलमान है हट्टे कट्टे मोमिन है बस बुजदिल हैं या फिर क्या है कि दुनिया के मान दौलत खर्च हो जाएगी जिहाद में जाएंगे तो या फिर हमारी जान चली गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा तवक्कल मजबूत नहीं है कुछ ऐसी वजूहात हैं जो कि उज्र में शामिल नहीं होती वो हो वजुहत तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते फी ऐसे ऐसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले जो अपने माल से जिहाद कर रहे हैं अपनी जान से जिहाद कर रहे हैं अल्लाह ने फजीलत दी है उनको अल्लाह ने फजीलत दी है उन मुजाहिदीन को क्यों बि अम्बालिम व दरजा। अपने माल और अपनी जान से उन्होंने अल्लाह की राह में जिहाद किया तो अल्लाह ने क्या किया उनके दर्जात को बुलंद कर दिया अल्लाहिल हुसना जबकि अल्लाह अल्लाह बता रहे हैं यूं तो ने हर एक को अच्छाई का वादा किया यानी जानो माल से जिहाद करने वालों को जो फजीलत हासिल होगी जिहाद में हिस्सा ना लेने ले वाले अगर अगरचे इससे महरूम रहेंगे ताहम अल्लाह तला ने दोनों के साथ ही भलाई का वादा भी किया हुआ है इससे क्या मुराद है मेरी बहनों इससे मुराद ये है किलमां ने ये यानी इससे दलील पेश की है कि आम हालात में जिहाद फर्ज ऐन नहीं है फर्ज किफाया यानी अगर बखदर जरूरत आदमी जिहाद में हिस्सा ले लें तो इस इलाके के सारे लोग उनकी तरफ से ये फर्ज अदा हो जाएगा यानी इस्लामी हुकूमत है वो लोग जिहाद के लिए जा रहे हैं अब उन्होंने ऐलान किया कि चलो सब सबको चलना है तो अब उसमें से इतने लोग चल सकते हैं मैक्सिमम इतने आ सकते हैं बाकी क्या आना है तो आइए नहीं तो नहीं आइए इतने तो हैं जैसे फौज होती है वो फौज को ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें ले जाया जाता है तो अब बाज दूसरे अगर कोई ट्रेन नहीं हुए वो फौज में नहीं गए दूसरा काम कर रहे हैं दावत का काम कर रहे हैं इसलाह का काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ दीनी उमूर को संभाले हुए कोई खाजी शराह है कोई खजात का, का काम कर रहा है दूसरे काम आ, गर्म जोशी के साथ कर रहे हैं तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है इसको भी नकी मिलेगी क्योंकि ये दूसरे ने काम मुसलसिल कर रहा है और इसका कोई यानी क्या कहते हैं कि जिहाद फी सभी में वो नहीं जा रहा है दूसरे नेक काम कर रहा है तो ठीक है इसको भी मिलेगा अजर लेकिन लेकिन दोबारा अल्लाह ताला बता रहा है अजरन अजीम 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 बड़ा अजर है क्योंकि ये फ़ैल भी अजीम है नेकियों में सब में टॉप की नेकी है जिहाद फी सभी ऊंची नेकी ऊंचे दर्जे की नेकी है तो वो ऊंचे दर्जे की नेकी जो कर रहा है बेशक वो तो अपना जान भी देने निकला माल भी देने निकला अब ये जो तो दूसरे हैं वो भी तो नेक अमल कर रहे हैं अल्लाह ने दोनों से वादा किया है कौन सा वादा वादल्लाहुल हसना दोनों से अल्लाह ने बेहतरीन वादे किए हैं अच्छे वादे किए हैं अच्छाई का वादा किया है लेकिन दोबारा अल्लाह ताला बोल रहा है कि के अल मुजाहिदीन लेकिन अल्लाह तो मुजाहिदीन को बहुत ज्यादा अजर देगा अजर नजीमा देगा बड़ा अजर देगा क्यों क्योंकि उन्होंने अपना जान अपनी माल लगा दी अल्लाह की राह में उन्हें नहीं पता कि वो जिहाद फीस में जाएंगे तो वापस उनकी जान आएगी कि नहीं आएगी तो उन्होंने इतना बड़ा रिस्क लिया किस लिए अल्लाह की मोहब्बत में तो अल्लाह ने क्या किया दराजा तुम मिनहूं व मकफिर व अल्लाह ने अपनी तरफ से बहुत अजर नजीमा बहुत बड़ा अजर उनको रखा दराजात दिया उनको मखफरत दे दी उनको रहमत से नवाज दिया अपनी अल्लाह रहीम क्योंकि अल्लाह कैसा है बहुत ज्यादा हफ्र रहीम है मेरी बहनों जैसे कि अजर में भी जब आप देखेंगे तो कौन सा भी अमल ऐसा नहीं है जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अपने बंदों को अपने करीब रखा कौन सा भी अमल ऐसा नहीं है अब जिहाद फीस देखेंगे वहां पर है अल्लाह ताला ने जो अल्लाह के रहा में शहीद होते हैं उनको अल्लाह ने क्या किया अपने अर्श के अतराफ खीलों में उनकी रूहों को रखा यानी अपने अर्श के अतराफ अल्लाह ने उन्हें रख लिया हदीस है सही हदीस है। अल्लाह के रसुल ने फरमाया कि जो मुजाहिदीन जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं शहीद होते हैं तो उन शहदा की रूहों को अल्लाह ने क्या किया अपने अरश के अतराफ रख लिया अपने अर्श के अतराफ खदीलों में परिंदों की शक्ल में उनकी रूहे हैं वो यानी वो रोजाना जन्नत पे जाती है सैर करती है जन्नत की तो सुबह अल्लाह यानी अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा फजीलत दी अल्लाह की राह में शहीद होने वालों के लिए कि उनको अल्लाह ने अपने अर्श के करीब कर लिया किसी अमल करने वाले बंदे को अल्लाह ने नहीं किया और खास कर मेंशन किया अम अल्लाह अली कौन है जैसे कि हमने पिछली आयतों में पढ़ा था पिछली आयतों में पढ़ा था सूरह निसा में ही कि किन है किस पर अल्लाह ने अपना इनाम किया सिद्दीकन शहदा नबीन सिद्दीक शहदा सारी यानी अल्लाह ने उनको इतना दर्जा दिया कि शहदा को अल्लाह अनाल कहा तो बहरहाल ये कि अल्लाह ताला ने ये मगफिरत का वादा किया और जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं हाँ आगे कभी छोटा सा रुको है पढ़ लेंगे अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हैं जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करने आते हैं तो पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे अब ये दूसरे वालों के बारे में कौन कौन से ये भी गौर से सुनिए ये कौन लोगों के बारे में है इन फाहमलाई का अब वो मौत के वक्त कुछ फरिश्ते उनके पास आते हैं ऐसे लोगों के पास जिन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया ये कौन है मेरी बहनों ये आयत उन लोगों के बारे में नाजिल हुई जो मक्का और उसके खरीब में मुसलमान तो हो चुके थे लेकिन इन्होंने क्या किया अपने 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 इलाकों को अपने अपने घरों को अपने अपने खानदान को, को छोड़कर हिजरत करने से रुक गए बोले कि नहीं कहाँ सारा घर वहां ले जाएंगे सारा कारोबार फिर से शिफ्ट हो ये जमीन से हमें मोहब्बत है ये घर से हमें मोहब्बत है ये जगह से हमें मोहब्बत है यहाँ की बात नहीं आती ऐसा नहीं होता फर्क कुछ भी बोले बहरहाल क्या किए क्या किए वहीं पर चिमटे रहे जमीन से चिमटे रहे हिजरत नहीं की उन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह को राजी करने के लिए अपने इस्लाम को बचाने के लिए अपने इस्लाम को बचाने के लिए उन्होंने हिजरत नहीं की जबकि मुसलमानों की कुवत को एक जगह जमा होने के लिए हिजरत का ताकिदी हुक्म हुआ था तादी हुक्म लेकिन लोगों ने क्या किया चंद लोगों ने चंद लोगों ने हिजरत के हुक्म पर अमल नहीं किया तो उनको क्या अल्लाह तला क्या बोल रहे हैं ये जालिम है इनका ठिकाना जहन्नम है जिससे ये बात से मेरी बहनों एक बात ये मालूम हुई कि हालात के एतबार से इस्लाम के बाद अहकाम कुफ्र या इस्लाम के मुतरद बन जाते हैं यानी आपका वो अमल नहीं करना कुफर हो जाता है जैसे इस मौके पर हिजरत इस्लाम यानी इस्लाम के लिए हिजरत करने से रुक जाना कुफर के बराबर करार दिया गया यानी कौन सी भी जगह याद रखिए कौन सी भी जगह जहां पर आपको इस्लामी तालीमात पर अमल करना मुश्किल हो गया और वहां पर रहना आपके लिए कुफर और अहले कुफर के बराबर आप वहां पर यानी मिल गए सब में ऐसे मिल गए कि अपना इस्लाम छोड़ रहे हैं ऐसे घुल मिल गए कि अपना इस्लाम छोड़ रहे हैं और मुश्किल है इस्लाम पर चलना मुश्किल है इस्लाम पर चलना इस्लाम पर चलने पर आप पर जुल्म किया जा रहा है तो क्या कर रहे हैं इस्लाम को छोड़ दे रही और जाने दो तो हम आप एक ही है बल्कि अपना बाया उतार दिए अपना यानी उनके फेस्टिवल्स में शामिल हो गए यानी उनके जैसे रूप धार लिया सब कर लिए क्या बोल के नहीं हमें इनके साथ रहना है लिहाजा हम सब मिलकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा लिहाजा हमने अपने इस्लाम को खो दिया ऐसा नहीं बल्कि इस्लाम पर आप कायम है तो उस खिते में आप रह सकते हैं अगर आप इस्लाम पे कायम नहीं रह सक रही तो वहां से आपको हिजरत कर जाना है अगर नहीं नहीं आप इस्लाम पे कायम रह रहे उसकी वजह से वो लोग आके कतल कर दिए उसकी वजह से वो लोग आके खतल कर दिए तो उस सूरत में क्या होगा जन्नत नहीं मिलेगी उस सूरत में जन्नत नहीं मिलेगी क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला उस सूरत में उनके लिए जहन्नम है जो लोग अपने जानों पर जुल्म करने वाले जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमजोर और मगलूब थे तो फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी याद रखिए इस बात को और अपने ऐसे लोगों को सुनाइए जो जुल्म सितम का शिकार हो रहे हैं लेकिन हिजरत नहीं करते सेफ पर हिजरत नहीं करते उनको बताइए थे तो अर्दुल्ला क्या अल्लाह की जमीन वसी नहीं थी कि फातुहा जीरो तुम इसमें हिजरत कर जाते हिजरत करना लाजिम है अगर कहीं ऐसा जुल्म हो रहा है कि वहां पर जान को खतरा है तो नहीं जान को खतरा है तो जाने तो शहीद हो जाएंगे मगर यहाँ जमीन को नहीं छोड़ेंगे नहीं शहीद नहीं कहलाते वो शहीद नहीं कहलाते उनके लिए जहन्नम है जो अपने आप को अपनी जान को हलाकत में डाल रहे हैं उन्हें मालूम है कि आगे जाकर उनके साथ मामला ऐसा हो सकता है उनकी जान पर बन आ सकती है उसके बावजूद बस महज जमीन की मोहब्बत घर की मोहब्बत कारोबार की मोहब्बत ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया हिजरत करने के लिए तो अल्लाह ने क्या किया अल्लाह तला फरमार है जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करने वाले जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज़ करते हैं तो पूछते हैं तुम किस हाल में थे तो ये जवाब देते हैं कि हम अपनी जगह कमजोर और मखलूद थे तो फरिश्ते कहते हैं कि क्या अल्लाह की जमीन कुशादा नहीं थी कि तुम हिजरत कर जाते यही लोग हैं जिनका ठिकाना दो तोजफ्फ है अल्लाह वक पर और वो पहुंचने की बड़ी बुरी जगह है हाँ मगर शर्त यह है कि मगर जो मर्द औरतें बच्चे बेबस हैं हिजरत नहीं कर सकते जा ही नहीं सकते सफरे सफरे हिजरत उनके पास है ही नहीं यानी क्या कहते हैं कि उतना माल उनके पास नहीं है कि वो हिजरत करके एक जगह से दूसरा जगह जा सके बिल, बिल्कुल पैसा ही नहीं है उनके पास सफर खर्च का जो सफर खर्च जो होता है ना सफर खर्च जिसे कहते हैं यानी आ, सफर करने के लिए जो थोड़ा बहुत तो भी खर्चा जो मतलब ठीक है मुश्किल का ही सफर सही यानी थोड़ा बहुत तो भी ज्यादा वो भी नहीं है कुछ ऐसे मखरूज हैं कर्ज में उठते है कि वो कर्ज अदा करे बगैर वहां से नहीं हट सकते किसी भी तरह से कोई मजबूर हो गया है साथ में कोई माजूर है बच्चे बड़े बूढ़े कोई माजूर है उनको लेकर सफर नहीं कर सकते कुछ भी ऐसी मजबूरी है हिजरत नहीं कर सकते सफर नहीं कर सकते तो अल्लाह ने उनको क्या फरमाया मगर जो औरतें मर्द बच्चे बेबस हैं जिन्हों जिन्हें है ना तो किसी चारा कार की ताकत है ना किसी रास्ते का इल्म है मालूम भी नहीं किधर जाना तो फिर ऐसे लोगों को अल्लाह माफ कर देगा बहुत मुमकिन है कि अल्लाह उनसे दरगुजर करे अल्लाह दरगुजर करने वाला और माफ फरमाने वाला है। जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा अब जो नहीं छोड़े उनके लिए वही थी छोड़ने वाले के लिए क्या है जो कोई अल्लाह की राह में वतन को छोड़ेगा वो जमीन में बहुत सी खयाम की जगह पाएगा यानी अल्लाह की रजा के लिए तुम एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पे शिफ्ट होते हो अब ये आप तमाम चीजों में ले ले सकते मेरी बहनों यानी अपनी जिंदगियों में भी बाज वक्त ऐसा मोड़ आता है ऐसा मामला आता है कि आप जिस जगह हैं उस जगह पर इस्लाम को पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि आप एक मुकाम से दूसरे मुकाम हिजरत कर जाए जहां पर आप इस्लाम को बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं जहां पर इस्लाम को बेहतर तरीके से फॉलो कर सकते हैं वहां हिजरत कर जाए हिजरत लाजिम है अल्लाह है फरमाना कि जो कोई अल्लाह के में वतन को छोड़ेगा जो बहुत सी वो जमीन में बहुत सी खयाम की जगह पाएगा कुशादगी भी अल्लाह देगा अल्लाह ने कुशादगी का वादा किया हिजरत की तरगीब दिलाई हिजरत की तरगीब दिलाई कहा कि रिस्क अल्लाह ताला देगा मुल्कों में कुशादगी फिराकी अल्लाह ताला पैदा करेगा मुल्कों में तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा करेगा और जो कोई अपने घर से अल्लाह और उसके रसूल की तरफ निकल खड़ा हुआ फिर इसे मौत ने आ पकड़ा अब कोई हिजरत के इरादे से बाहर निकला निकला पूरा सामान उमान जमा लिया चलो अब निकल के जा रहे हैं रास्ते में उसकी मौत आ गई रास्ते में मौत ने आ पकड़ा तो भी यकीनन उसका अज्र अल्लाह के जिम्मे साबित हो गया यानी उसको मौत कैसे भी आ सकती है या तो हिजरत करते वक्त कोई उसको दुश्मनी में मार डाला या फिर किसी भी तरीके से कुदरती मौत आई जो भी मौत आई लेकिन उस मौत ने उसे क्या किया जन्नत दे दिया अल्लाह अल्लाह खान्ला अल्ला के अल्लाह के जिम्मे उसका अज्र अल्लाह तला कि साबित हो गया नीयत के मुताबिक नीयत के मुताबिक अजर मिल के मिलने के अल्लाह तला ने यहाँ पर यकीन दिलाया आपकी नीयत के मुताबिक आपको अजर मिलेगा हिजरत कर रहे हैं यहाँ से निकले जा रहे हैं रास्ते में है रास्ते में अल्लाह तो ताला जन्नत का वादा कर रहा है क्या फरमा रही कि उसके लिए उसका पर है देगा उसको अल्लाहु गफूर और रहीमा। कैसा है बहुत ज्यादा माफ करने वाला और बहुत ज्यादा रहम करने वाला तो सुफान अल्लाह ये आयतें थी अः जिहाद फी सभी खद्दालफी अल्लाह की और मोमिन मोमिन को कतल करता है तो उसका क्या गुना है उसकी यानी जानबूझ के खत्तल कर रहा है तो उसकी कितनी खतरनाक सख्तरीन वही है और अगर आ, क्या कहते हैं कि यानी गलती से अगर कत्ल कर देता है तो उसका क्या सजा है ये तमाम चीजें अल्लाह पाक ने इस इन दो सूरतों में इन दो रुकों में बताई है अल्हम्दुलिल्लाह हमने सम, समझाने की कोशिश की अगर आपको बात समझ आई तो बेहतर है समझ नहीं आई तो सवाल भी कर सकती हैं और इनशाला बारहा हम ये दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे आमीन या रब्बल आलमीन सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन